गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड सेकंड ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक बस लास्ट बचा है टॉपिक, वो अपने कंप्लीट करने जा रहे हैं। टॉपिक आज का नाम क्या, टॉपिक का 21 नंबर लेक्चर शुरू हो रहा है बच्चों। सबसे पहले हम बता दूं कि मैंने 20 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, 21 लेक्चर आज शुरू होने जा रहा है। ओके, 20 लेक्चर पहले पढ़ाए जा चुके हैं तो वो आपके नुकसान नहीं होगा। जो बच्चे नए आए हैं आपके लिए ऑलवेज वो सेव रहेंगे, जब मर्जी देखो जब मर्जी नोट सुनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बता दूं बच्चों आपको कि अब ये 21 लेक्चर के अंदर nth कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम समीकरण को निकालेंगे, यानी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को कैलकुलेट करेंगे। ये सारा बहुत ही इजी मेथड है, हम सभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ कर चुके हैं। ओके, इसके बाद एक बच्चे का टॉपिक छोटा सा पसीडो ऑर्डर वाला, यानी छदम कोटि की अभिक्रिया, वो करवाने हैं बस। और उसके बाद सारे के सारे एग्जांपल करवाने हैं कि जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल बताओ, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल बताओ, सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल बताओ। समझे बात को? अब फटाफट शुरू करने जा रहे हैं अपने nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो मुझे बताओ बच्चों वाई सीरीज को स्टार्ट किया जाए। वाई सीरीज मैं तुमसे रिव्यू ले रहा हूँ, वाई सीरीज अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं करूंगा स्टार्ट। लेकिन तुमसे पहले पूछ रहा हूं कि वाई सीरीज के वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए जाए ना, जल्दी बताओ। क्वेश्चन आता है कि जिंक कैडमियम मर्करी मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, वाई, इस टाइप के क्वेश्चन। जिंक कैडमियम मर्करी इज मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी लो, इनके गलनांक बिंदु बहुत कम होते हैं, धातु होते हुए भी, मेटल करेक्टर होते हुए भी, क्यों, वाई। ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, कि ऐसे क्वेश्चंस मैं फ्यूचर में आपको देने वाला हूं ताकि आपका नुकसान ना हो और लॉजिकली बात हो सारी की सारी, तो वो बात करने वाले हैं। आज हम nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने जा रहे हैं। सभी बच्चों को बोल दो कि आज क्लास में ये सबसे इजीएस्ट, आपकी सबसे आसान है, चाहे वो बच्चा कोई भी हो। अब ये मैं बहुत बार बार करवा चुका हूं तो ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे, फटाफट करते जाते हैं। हमें ये बात पता है कि ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बनता है टी इज इक्वल टू जीरो पर, इसकी कंसंट्रेशन सी नोट होती है, इसकी कंसंट्रेशन जीरो होती है टी इज इक्वल टू टी पर, ये कितना बन जाता है, ये सी टी में कन्वर्ट हो जाता है सी नोट से, यानी कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ जाता है, यानी सांद्रता में कमी आ जाती है, और ये बन जाता है बी टी। और सी टी की वैल्यू क्या आती है, सी नोट माइनस एक्स, मतलब इसमें इतनी कमी होती है और इतनी ही क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी इतनी ही फॉर्मेशन हो जाती है। जितना डिक्रीमेंट आता है उतना ही क्या लगता है बच्चों, इंक्रीमेंट लगता है। और आपको मैंने सिखाया हुआ है ये वाली बात कि इस पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दो, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन से क्या कर दो, इस पूरी के लिए हम दो बातें कर सकते हैं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका लिख दो बच्चों आप डिफरेंशियल रेट लो, ये मैं बहुत बार करवा चुका हूं तो उस तरीके से करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करनी है, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन लिख रही है। तो मैं पहले डिफरेंशियल रेट लो लिख रहा हूं। डिफरेंशियल रेट लो आपको पता है कि किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना ही क्या होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ होता है, यानी इसका अवकलन दर नियम होता है। और उसको रेट से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट इज इक्वल टू आर, आर से रिप्रेजेंट बाय एंड चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हमने क्या लिया है ए, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी, ये मैं बहुत बार करवा चुका हूं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये माइनस का सिंबल क्यों आया, क्योंकि कंसंट्रेशन में चेंज नेगेटिव आ रहा है, यानी डिक्रीमेंट आ रहा है। अगर सेकेंड फॉर्म में लिखूं, रेट लॉ के फॉर्म में लिखूं, रेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, अगर मैं रेट लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से लिखूं, कोटि के हिसाब से लिखूं, तो क्या आता है आर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर, इस पावर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इस पे डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो इस फॉर्म में ऐसा लिखा कि ए रिएक्टेंट लिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, यानी ए की सांद्रता और उसकी घात यानी पावर टू द पावर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस तरीके से अपने इसको लिख सकते हैं, है ना,
इस तरीके से अपने इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसमें ओपन करूं तो R इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ये आपको सारी बातें बताया बच्चों, इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं दोनों में दोनों तरफ क्या ले रहा हूं, इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर टू, दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों इक्वेशन क्या बताती है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन बताती है। तो इक्वेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेट द इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को सामने सामने रखने पर डीसी अपॉन डीटी इज इक्वल टू के सी टू द पावर एन आ जाता है। और सेम सेम को एक साथ ले आओ बच्चों, ये हम करते आते हैं कि एक भाई को दूसरे भाई के साथ ले आओ, अपने एक मिनट में कर देते हैं, तो अपने ये चीज करते भी होते हैं। आपको पता है कि डीसी अपॉन नीचे क्या ले आओ, सी टू द पावर एन, ये देखो मैं यहां नीचे ले आया इसको, इसको यहां ले आया, सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल्स के नीचे ले आया मैं, डीसी अपॉन सी टू द पावर एन एन इज इक्वल टू के डी टी, के डी टी। अब बच्चों इसका कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने पर और लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन कर दो कि इसमें कंसंट्रेशन में चेंज कहां से कहां तक आता है, सी नोट टू सी टी तक आता है, और यहां पर कहां तक आता है, जीरो टाइम से टी टाइम तक टाइम में चेंज आता है। हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन। क्या मुझे एक बात बताओ, सी सी टू द पावर एन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं ना बच्चों, डी सी सी की पावर एन। आपको बताया कि वन अपॉन टू को आप माइनस टू की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। उसी तरीके से सी वन वन अपॉन सी टू द पावर एन को वन, इसको मैं सी टू द पावर माइनस एन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू वही इंटीग्रेशन जीरो टू टू, जीरो टू टू यानी जीरो टू टी एंड के डी टी। और आपको बताया कि किसी की पावर सी एन और डी सी, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने करवाया हुआ आपको कि x टू द पावर n देन dx, इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या निकल के आता है, एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, जबकि यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है डी सी सी टू द पावर माइनस एन। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो सिंपल सी बात है, इसका करो इंटीग्रेशन, माइनस माइनस सिंबल लगाना है, माइनस बच्चों बाहर आ जाएगा, ये वाला जो माइनस हमने लगाया नहीं था ये माइनस बाहर आ जाएगा, ओके ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, हमने माइनस लिखा हुआ था यहां पर ये वाला, ओके तो चले आगे। अब इसे इंटीग्रेशन कर दिया तो मैंने क्या आया कि सी टू द पावर माइनस सी टू द पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन में माइनस एन प्लस वन, ओके इज इक्वल टू, ये तो मैंने लिमिट सॉल्व भी कर दी इसकी, तो इसको सॉल्व कर दिया तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया इसका, डी 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 को इंटीग्रेशन ने खत्म कर दिया, और के टी टू द टी जीरो लिमिट टू टी लिमिट तक इस फॉर्म में इसको सॉल्व करने पर आ जाता है, है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल सी बात है, आपको ये बात पता है कि ये माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैसे आ जाएगा, आगे इसी फॉर्म में लिखे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन, ये तो हो गया एन प्लस वन में, ओके वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन में। और ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, ये वाली, ये आपको पता है सी टू द पावर माइनस एन प्लस वन है, और ये नीचे आ जाएगी तो किस फॉर्म में आ जाएगी, सी सी एन माइनस वन। यहां माइनस कैसे आया, इस माइनस के कारण, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये आ गया सी टू द पावर एन माइनस वन। और इस फॉर्मूले इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं, किसी की पावर माइनस में हो तो उसको अपॉन में ले सकते हैं, सी की पावर माइनस में है, सी की पावर माइनस में है बच्चों, तो मैंने इसको क्या लिख दिया बच्चों, मैंने इसको सी की पावर माइनस में, तो इसको अपॉन में लिया है सी वन अपॉन सी की पावर सी टू द पावर एन माइनस वन, यहां मैंने लिख दिया। और एन माइनस कैसे हुआ, क्योंकि आपको बताया बाहर सिंबल माइनस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहां पर बाहर सिंबल किसका है, माइनस क्या, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन सी टू द पावर एन माइनस वन आ गया। और क्या है बच्चों, और यहां इसकी लिमिट क्या थी बच्चों, लिमिट थी इसकी सी नॉट टू सी टी, और इज इक्वल टू क्या आ गया, जब इसको सॉल्व किया मैंने तो के टी आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी, ओके। अब मैं आगे इसकी लिमिट लगाने जा रहा हूं बच्चों, आगे मैं लिमिट लगा रहा हूं इसकी, हमारी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वन अपॉन एन माइनस वन एन, और क्या आएगी बच्चों, वन अपॉन सी टू द पावर माइनस एन वन सी नोट सी नोट टू सी टी तक लिमिट थी, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, एंड इज इक्वल टू के टी।
अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, आगे बात तो करने जा रहे हैं, तो हम देखने जा रहे हैं कि अब इसके अंदर मैं क्या लूंगा कि 1/(n-1), मैं इसकी पहले लिमिट लगाऊंगा 1/(n-1) तो बाहर रह गया बच्चों। अब मैं लिमिट लगा रहा हूं, किसकी लिमिट लगा रहा हूं, 1/(c)(n-1) की लिमिट लगा रहा हूं, सी नोट टू सी टी। तो मैंने लगा दी लिमिट 1/(ct n-1) - 1/(c)(n-1)। ये मैंने क्या किया, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इज इक्वल टू kt कर दिया। अब ये बच्चों क्या आ गया आपके लिए, ये फोर्थ n ऑर्डर के लिए क्या आ गया आपके पास, एक इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आ गई। इसको बॉक्स में कर दो, क्लोज कर दो। ये बहुत ही सिंपल वे है, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवा चुका हूं इसके तरीके से। अब अपने आप इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमने एनी ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कैलकुलेट कर ली, एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास कि आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसमें पुटअप करो, आप उसका क्या इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकाल सकते हैं। मान लो एन की वैल्यू रखूं 0, तो भी यहां से क्या आ जाएगी, आपकी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आ जाएगी फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर एन की वैल्यू रखूं 1, तो भी क्या आ जाएगी आपके लिए, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी समाकलित दर नियम समीकरण किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। बच्चों अब आगे बात करने जा रहे हैं अपने फटाफट टी इज इक्वल टू टी। अब आपको बताया कि अब इसके लिए nth ऑर्डर के लिए हमने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड। बड़ा ही आसान काम, बहुत ही इजी काम, आप कर सकते हो बच्चों। जल्दी बताओ फटाफट मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हो क्या। मैंने आपको nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन करके बता दी, अब आपको हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकालना है, यानी एक ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन निकालना है जहां पर आप n की वैल्यू पुटअप करो एनी वन रिएक्शन के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए, 0 कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि के लिए आप अर्ध आयु काल की गणना कर सको। ऐसा फॉर्मूला का निर्माण करना है मुझे, ऐसा फॉर्मूले की फॉर्मेशन करनी है कि आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एनी वन ऑर्डर के लिए आप हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कुछ भी रखो n की वैल्यू और आपका हाफ लाइफ पीरियड आ गए। तो ऐसा फॉर्मूला कैसे निकालें आप बताओ चैट सेक्शन के अंदर, आप कर सकते होगे ये बात। तो आपका बच्चों एक होमवर्क रहेगा मुझे, आप अपने आप हाफ लाइफ पीरियड को निकाल करके बताओगे, किसके लिए निकाल के बताओगे बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। अभी आपके पास टाइम है, नंबर यहां दे रखा है आपको 9887122980। सभी बच्चे अभी 10 मिनट के अंदर, नहीं तो हाफ लाइफ पीरियड मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में, ये लेक्चर भी आपका क्या हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। सभी बच्चे आपको दूंगा, जल्दी बताओ चैट सेशन के अंदर हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट आप बच्चों बता दोगे ना आप, बहुत ही आसान काम है, जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। हाफ लाइफ पीरियड निकालना है आपको, हाफ लाइफ पीरियड बता देता हूं होता क्या है, जब टी इज इक्वल टू टी हाफ कब होता है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, किसी भी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हाफ रह जाए, जब किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता उसकी आधी रह जाए, उसको बोलते हैं सीटी, विच एनी टी टाइम कंसंट्रेशन नोन एज सीटी। तो हमने क्या निकालना है कि सी नोट जब हाफ रह जाता है उसको पिच पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। मुझे बच्चों आप जल्दी फटाफट, अगर अब मुझे पता लग जाएगा कि कौन बच्चा एक्टिवली क्लास देख रहा है, कौन बच्चा एक्टिवली क्लास नहीं लगा रहा, इससे पता लग जाएगा। जल्दी फटाफट मुझे हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करके बताओ, और कोई डाउट हो तो बताना। कल अपने प्रोसीडर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इनके एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद नई थ्योरी शुरू करेंगे। केमिकल काइनेटिक अपना इस मंथ में, यानी अक्टूबर के मंथ में अपने कोशिश करेंगे इसको
खत्म करने के लिए। वैसे केमिकल काइनेटिक आपकी लगभग 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 आपका खत्म हो चुका है, कुछ बस थ्योरी बची है, उसको बस पढ़ना है। ओके, आपका केमिकल काइनेटिक मोस्ट प्रोबेबली यूनिट खत्म हो चुकी है। आपकी टोटल 5 यूनिटें होती है, आपकी एक यूनिट लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी खास नहीं बचा है, बस थ्योरीज बची है, उसको पढ़ना है, उसको तो हम जैसे मर्जी पढ़ लें, मेन काम हमने कर दिया हो ना। उसके बाद अब नई यूनिट स्टार्ट करेंगे अपने आने वाले टाइम में, तो चिंता मत करना बच्चों, आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। अभी अपने बात करने जा रहे हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूं बच्चों, फटाफट मुझे चैट सेक्शन के अंदर भेजो। आज का वीडियो लेक्चर अपने इतना ही रखते हैं, मैं आपका वेट करता हूं, मुझे पता होगा कि क्लास कौन कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू, मैं वेट करता हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके बच्चों, बाय बच्चों।